दोस्तों पिछला दिन वैलिडस का एंड्रॉयड 9 वर्जन इस्तेमाल करके दिखाया था मोटोरोला मोटो G5 वेस्ट प्लस में, आज सीक्रेट ओएस का ये वर्जन मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये भी एंड्रॉयड 9 है, ऑफिशियल है, और इसके लिए मैं TWRP फ्लैश कर चुका हूँ। डेटा सिस्टम डेल्वी कैश ये जो है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें जितनी ही सारी फीचर्स है, सेटिंग्स है, ये तो बताऊंगा ही। और पिछला दिन का वैलिडस ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ इसको स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा, जिसे आपको पता चल जाए कौन सा रोम आपके लिए बेहतर है। इस रोम को इंस्टॉल करने को पहले आपका कंप्यूटर में फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगा, उधर इस सीक्रेट ओएस और GApps का फाइल कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए, और आप चाहे तो मोटो कैम का जो एप्लीकेशन है उसका जीप भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस जीप को भी आप कॉपी पेस्ट करके इस रोम को साथ इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा OS इंस्टॉल हो चुका है, अभी मोटो कैम और Hall 3 एनाबेलर जो जीप है मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इंस्टॉल करने को बाद आपको मोटो कैम का फुल फीचर मिल जाएगा, लेकिन उसमें मोटोरोला का जो फोटो एडिटर है वो आपको नहीं मिलेगा। इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दीजिए, तो धीरे धीरे होगा, इसको लिए टाइम लगेगा। तो इसको बाद आप रिबूट टू सिस्टम कर लीजिएगा सारी इंस्टॉल होने के बाद। तो देखिए सिस्टम रिबूट होने का फास्ट रिबूट ये देर लगता है, इसको लिए धीरज रखिएगा। चलिए ये बूट अप हो रहा है, इस बूट लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, होलोग्राम की तरह ये चमक रहा है। तो चलिए इसको सीक्रेट ओएस ये ऑन हो चुका है, गूगल का लोगो आ चुका है, चलिए सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और इस रोम में कैसा फीचर्स है, क्या क्या है इसमें, आपको सारी बताऊंगा। चलिए सेटअप हो चुका है, फिंगरप्रिंट भी मैं डाल दिया हूँ और इसको स्टार्टअप कर दिया हूँ, देखिए ये ऑन हो चुका है। वैलिडस ओएस के तरह ये रोम भी मुझे बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन इसका जो लॉन्चर दिया गया है ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, वैलिडस ओएस में भी इसमें भी, इसलिए मैं इसमें गूगल पिक्सेल एक्सेल का लॉन्चर 3 और पिक्सेल आइकॉन पैक इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इस सीक्रेट ओएस में आपको 5 अगस्त का गूगल सिक्योरिटी पैच मिल जाते हैं, लेकिन वैलिडस ओएस में आपको 5 सितंबर का गूगल सिक्योरिटी पैच मिल जाता था। वैलिडस ओएस का जो फीचर्स है इसमें भी सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ भी अंतर मुझे नहीं लगा, क्योंकि वैलिडस ओएस में जितनी ही कस्टमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन दिया गया था इधर भी उतनी ही कस्टमाइजेशन दिया गया है, ज़्यादातर इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है। आपको चाहिए तो आपको रूट करके, फुल्ली रूट ये नहीं है, रूटेड नहीं है, पार्शियल रूट है, तो फुल्ली आपको रूट करके मैजिसिक इंस्टॉल करके इसमें आपको सबस्टेटम थीम डालना पड़ेगा। मैं इसको चेक कर रहा हूँ एडवांस रूट चेकर के जरिए, जितनी ही सारे ग्रीन बटन आप देख रहे हैं उतनी ही हिडन कोड डेवलपर का इधर है, तो डेवलपर चाहे तो आपको ट्रैक कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो रोम में हिडन कोड कम देखने को मिलता है। नीचे का पोर्शन में जो 3-डॉट नेविगेशन बटन मिलता है इसको चेंज कर लीजिए, पहले आप सिस्टम सेटिंग्स में जाइए, जेस्चर्स में जाइए, और ये जेस्चर्स में ये सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, ये कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का बटन है, 3-डॉट बटन से ये अच्छा है। नेविगेशन टॉगल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उस ऑप्शन को आपको जरूरी है तो उसको आप उधर ऊपर उठा लीजिए। चलिए मोटो कैमरा तो इंस्टॉल कर ही लिया है, मोटो कैमरा का सारे फीचर्स एक बार एक झलक देख लेते हैं। एंड्रॉयड 8.1 का मोटो कैमरा का जो फीचर्स है सारी मिल जाते हैं, लेकिन आपको इधर
मोटरोला को जो फोटो एडिटर मिलता है इनबिल्ट, वो आपको इधर नहीं मिलता है। चलिए स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं डाई सिक्योर्ड ओएस बाय वैलिडास। स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ज़्यादा सिक्योर्ड ओएस में। ये है गीकबेंच स्कोर कंपैरिजन, आपके सामने में है दोस्तों। हिडन कोड्स, गीकबेंच मार्क, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, ये सारी मुद्दे नजर रखते हुए वैलिडास ओएस आपको लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, चलते हैं।